नमस्कार दोस्तों, फिटर टॉपिक स्टडी में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, मैं डे वन 10 दिन जो जब का जो सीरीज चला रहा था, उसका ये जो है आज लास्ट दिन है, 10वां जॉब। अभी तक जितने भी जॉब बना, आज मैं एक बार आपको रिमाइंडर करवा दे रहा हूँ कि जो जॉब बना और आज वाला जॉब भी स्पेशल आने वाला है। जो चीज़ छूट गया है उसको आज कवर कर लेना है हमें, जो आज छूटा होगा उसको भी आज 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 के क्लास में कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, और चलते हैं, देख लेते हैं 10वें दिन। जैसे कि ये देखिए, ये जो जॉब था, पहले दिन रेडियस भी बनाना था और स्ट्रेट भी कटिंग करना था, 3 बार कटिंग करना था। ये डायमेंशन आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, तो आप नहीं बनाए होंगे तो पहले वाले में जाके देख लीजिएगा। 12 12 12 था, और इधर था, यहाँ था 5 10 और 15, यही था। ये 48 टोटल था, यहाँ रेडियस था 5 या 10 का था, कुछ ऐसे ही करके। पहले 10 mm में बोला था कि मैंने 5 जॉब बनाना है। चलिए देखते हैं दूसरा कौन सा जॉब था। डे टू का जो जॉब था, डे टू में इसमें भी एक स्लॉट और रेडियस था। उम्मीद है कि आप लोगों ने ये जॉब जो है बना लिया होगा। डायमेंशन नहीं दिख रहा होगा तो डायमेंशन एक बार क्या कीजिएगा कि अगर नहीं बनाया होगा आपने तो जाके एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, ये 18 है, थोड़ा लिखने में गुम जा रहा है वो। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी एक बार रिवाइंड करवा दूँ, तो उम्मीद है कि आप समझ ही जा रहे होंगे। देखिए, डे टू हो गया। डे थ्री वाला जो जॉब था वो इस प्रकार था। स्टेप एंड टेपर वाला, यहाँ पे आपको 14 14 14 था, यहाँ सब 16 16 16, और ये भी मैंने 10 mm में बनवाया था। इसको भी देखते चलना है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा एक बार। अब आप देखना है, देखिए डे फोर हमारा क्या कहता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हार्ड हार्ड जॉब जॉब हार्ड बनाना बड़ी बात नहीं है, मैं भी हार्ड हार्ड जॉब दे सकता हूँ कोई वो, लेकिन आपको जो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस उतने टाइम में कर लेना, ये बड़ी बात है कि आप जो है उतने टाइम प्रैक्टिस कर रहे हैं, 2 घंटे में बना दे रहे हैं कि नहीं, पता चले कि जॉब बनाते रह गए। और देखिए यहाँ 45 डिग्री एंगल था, एंगल आ जाएगा तो क्या कीजिएगा। उसमें मैंने एकदम डिटेल से बनाया है मार्किंग कैसे करना है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। मार्किंग वगैरह में दिक्कत हो, और एक कमेंट था कि इसरो वाले जॉब का मार्किंग, तो वो मुझे याद है क्या करवाना है, तो मैंने सोचा कि इसको पहले मैं कंप्लीट कर दूं, कितने दिन से छूटा पड़ा हुआ है, ये कंप्लीट हो जाए, नेक्स्ट वीडियो में वही रहेगा इसरो वाला जॉब, इसके लिए परेशान नहीं होना है। ये डे फोर था। देखिए डे फाइव, ये जो जॉब है मैंने अपने स्किल सेंटर में भी बनाया था। इसरो में क्या किया गया था, बस इसी को यहाँ से यहाँ तक मैंने दिया था, और ये था यहाँ मिलाया गया। मैंने सोचा कि थोड़ा सा और एक स्टेप यहाँ वाला ऐड कर देते हैं। यहाँ जो था वहाँ पे 10 था, मैंने इसको 15 कर दिया था, ऐसे ही राउंड सर्कल था उसमें भी। और यहाँ पे इलिप्स इलिप्स आया था यहाँ पे बनाने के लिए। इलिप्स के बहुत मार्किंग का एक शॉर्ट वीडियो था, इलिप्स मार्क किया हुआ है। वैसे तो मैं फुल एक बार बताऊंगा ये, लेकिन इलिप्स था यहाँ पे, और इलिप्स मैंने मार्किंग करवा दिया था सबको कि देखिए मार्किंग कैसे होता है इलिप्स का। ये हो गया 20 10 24, आज वाला भी चलेगा जो 10वां है, 13 15 10, यही जॉब था। यहाँ पर रेडियस बनाना था 10 का, यहाँ से सेंटर लाइन किया है, यहाँ सेंटर लाइन, यहाँ पर ड्रिल होल था, ड्रिल होल है। आप लोग एक बार टेपिंग वगैरह का भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक, डॉक्टेल फिटिंग भी मैंने बनवा दिया है। देखिए एक बार क्या होगा, एक बार हार्ट का डॉक्टर गया एक मैकेनिक के पास अपनी कार चेक करवाने, वही ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सब लोग अपने आप को समझते हैं कि हाँ मैं तो बना ही लेता हूँ, मैं तो सीख गया हूँ, मैं तो कर लूंगा, मैं तो हार्ड हार्ड जॉब की प्रैक्टिस कर लूंगा। तो मैं
क्या बता रहा था, एक हार्ट का डॉक्टर गया मैकेनिक के पास अपनी कार का ठीक करवाने। तो मैकेनिक बोला, डॉक्टर साहब आप भी डॉक्टर हो मैं भी डॉक्टर हूँ, आप भी ऑपरेशन करते हो मैं भी करता हूँ, इसका एक एक पार्ट का भी ऑपरेशन कर सकता हूँ। मैकेनिक बोला, फिर भी आपकी वैल्यू ज़्यादा क्यों है, मेरी वैल्यू इतनी कम क्यों है, आपको लोग ज़्यादा रिस्पेक्ट क्यों देते हैं, मुझे रिस्पेक्ट आपकी अपेक्षा कम क्यों मिलता है। तो बात तो सोचने वाली है, आप भी सोचिए। अभी जब आंसर बताऊंगा तो आप घूम जाइएगा। तो हुआ यूं कि डॉक्टर बोले, भाई तुम बात तो सही बोल रहे हो, तुम भी डॉक्टर मैं भी डॉक्टर, दोनों एक ही ऑपरेशन करते हैं। तो डॉक्टर बोला कि दोस्त, तुम जो ऑपरेशन करते हो और मेरे में बहुत का फर्क है, मैं चलती गाड़ी का इंजन बदलता हूँ, तुम रुके हुए का बदलते हो, यही फर्क है तुम्हारे और मेरे में। जिस दिन तुम ये काम करने लगोगे तुम्हारा भी नाम ऊपर हो जाएगा। इसीलिए ये नहीं देखना है कि मैंने कर लिया उनके बराबर कर लिया, कुछ स्पेशल कीजिए, कुछ अलग कीजिए। मैं हमेशा बोलता हूँ पहले कि भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ जिसके लिए खड़ी है वो बनना है, यही सोच के चलिए। यही सोच आपको एक दिन आगे ले जाएगा। किसी से तुलना नहीं कीजिए। हमारे यहाँ क्या होता है, घर में लाइट नहीं है तो हम पड़ोसी को देखते हैं कि पड़ोसी के यहाँ भी नहीं है तो खुशी से सोते, उसके यहाँ है तो बेचैनी बढ़ जाएगा, लेकिन उसके यहाँ नहीं है तो शांति से आगे पड़े रहेंगे। ये नहीं, वैकल्पिक सुविधा नहीं देखते हैं, देखते हैं कि हमारा पड़ोसी किया है कि नहीं। बात सही है या नहीं कमेंट में जरूर बताइएगा। इसलिए आप लोग इस बात को विशेष ध्यान दीजिए। देखिए ये हमारा जो डॉक्टर फिटिंग था, ये उम्मीद है आपने बना लिया होगा। मैं थोड़ा आप डायमेंशन नहीं लिखूंगा, केवल इसको दिखा दे रहा हूँ कौन कौन सा फिटिंग मैंने बनाया। साइज जो लोग नहीं बनाए होंगे वो 1.6 का है, 1.6 वाला वीडियो देख लीजिएगा। देखिए 7 में क्या है, 7 में स्टेप एंड टेपर फिटिंग बनाया था मैंने, 7 का ये है। उम्मीद है आप लोगों ने बना लिया होगा और मार्किंग वगैरह में कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना। यहाँ देखिए ये राउंड नहीं है, इसको ध्यान देना है। और अगर जिसको बनाना हो एक बार देख लेगा, मैं एक बार कौन कौन सा जॉब बनाया हूँ वो बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा क्या है, डे 8 वाला जो जॉब था वो कुछ इस प्रकार था। इसमें भी फिटिंग था ये, प्रोसेस वोसेस लिखना है ना, प्रोसेस नहीं लिखने कोई दिक्कत हो तो आप देख लीजिएगा, नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से या फिर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है वहां से जुड़ के आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं, वैसे मैंने बता ही रखा है, फिर भी कोई डाउट हो तो। डे 9 तो अभी हाल ही में हुआ है, कभी कभी क्या होता है कि एम का नाम समझ में नहीं आता है कि आपको एम क्या दे रहा है। जहाँ पे एम ना लगे, मतलब कि अब दिखे ही ना कि ये कौन सा जॉब है, अजीब प्रकार का जॉब है, तो वहाँ पे ऑपरेशन का आप नाम लिख सकते हैं। जितने भी ऑपरेशन है, मेक ड्रिलिंग, टैपिंग, टैपिंग हो तो अब एनए की अपने मन से लिख देना है, या फिर एंगल फिटिंग और स्टेप स्टेप एंगल सब हो, रेडियस इंटरनल एक्सटर्नल या फिर कनकेव कन्वेक्स, ऑपरेशन का नाम भी लिख सकते हैं एम में। जरूरी नहीं है कि आप, किसी किसी जॉब में होता है कि ऐसा डिजाइन अनोखा रहेगा कि आप नाम नहीं बता सकते, तो इसलिए वहाँ पे आप ऑपरेशन का नाम लिख दीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं, अभी तक हमारा हो गया डे 9 तक, अब हम देख लेते हैं डे 10। 10 में आज का कौन सा जॉब रहेगा। डे 10 में आपको यही जॉब बनाना है, इसमें स्पेशल ये है, साइज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, मार्किंग वगैरह कीजिए। देखिए 11.5 है, 11.5 मैंने पॉइंट में मार्किंग करना बताया है, देख लीजिएगा वीडियो, 11.5 कीजिए, पॉइंट है 11.5। यहाँ पे जो है 11.5 का मार्किंग करना है आपको, यहाँ भी 11.5 है, और ये यहाँ पे
इसको भी 0.5 कर लीजिए, ठीक है 18.05, 18.05 नहीं कीजिए। यहाँ पे क्या करना है, इसको पॉइंट नहीं कीजिए, इसको टोटल 19 कर लेना है, 19 19 कर लीजिएगा इसको। और कोई दिक्कत नहीं है, इसको 19 कर लीजिएगा, 19 करके बना लीजिएगा, हो जाएगा। और यहाँ जो है 60 डिग्री, अब आपको बताना है कि ये 60 डिग्री आप कैसे बनाइएगा, ये जो 60 डिग्री है आप कैसे बनाइएगा। 60 डिग्री आपने, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, 60 डिग्री बनाने का देखिए दो तरीका है, या तो क्या करें आप, ड्रिलिंग चार है, ड्रिलिंग कर लेना है, टॉलरेंस दिया गया है प्लस माइनस 0.02, तो टॉलरेंस कितना हो जाएगा, 0.04 हो जाएगा टॉलरेंस। तो यहां मैं क्या बता रहा था, देखिए या फिर इसको 18 है ना, इसको 18 ही रहने दीजिए, सही 19 ना कीजिए, 18 कीजिए, फिर आप लोग को दिक्कत होगा, इसको 18 ही रहने दीजिएगा, 18.35 है, इसको 18 कर दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दो दो पॉइंट, हाँ ये पॉइंट में जरूर कीजिएगा, बाकी सब डायमेंशन सही है। और देखिए ड्रिल होल भी है, डायमीटर 6 का 2 होल है, इसमें 2 होल इसमें है, और 60 डिग्री का मैं बता रहा था, बाकी आप मुझे उम्मीद है कि आप इसका मार्किंग वार्किंग कर लेंगे, ठीक 60 का बता रहा था। देखिए जैसे ये साठ के लिए ये लाइन है, बचपन में आपने पढ़ा होगा, जैसे ये कोण होता है, तो ये कोण यहाँ से यहाँ तक जो कोण बनता है वो कितने का बनता है, 180 का बनता है। देखिए आप लोगों के लिए कंपास लेके आए, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मान लीजिए कि आप यहाँ से लग मत जाना, नहीं तो मेरा बॉडी खराब हो जाएगा। यहाँ से जो बनता था इसको बना के ऐसे घुमाते थे, यहाँ भी एक रेडियस बनाना है, ऐसे बनाने के बाद एक पॉइंट यहाँ लेके आप यहाँ मारिएगा, तो वो कोण मिला दीजिएगा, तो वो कितना जाएगा, 60 डिग्री जाएगा, 60 डिग्री ऐसे ही बनता है। ये आपको कंपास यूज नहीं करना है, जो मैं डिवाइडर का यूज करना है, डिवाइडर से एक राउंड रेडियस बनाइएगा, राउंड बनाने के बाद एक बार कट कीजिएगा, तो 60 हो गए, दोबारा कट होगा तो 120 हो जाएगा। वैसे ही जितना एंगल दे सब डिवाइडर से, मतलब कंपास से ही बहुत सारे एंगल बनाए जा सकते हैं आपको, कॉम्बिनेशन क्या बोलते हैं उसको, कॉम्बिनेशन सेट ना एग्जाम में मिलेगा ना ही एंगल, मुझे उम्मीद नहीं है कि 60 डिग्री आ जाए, फिर भी आ गया तो मैंने बता दिया, सामने आ गया तो 45 का आपको पता ही है, पर 45 वाला आता है तो ज़्यादातर आपको स्क्वायर बॉक्स मिलेगा, उसको मिला देना रहेगा तो 45 बन जाता है, ठीक है। वैसे आप कंपास से भी बनाने का मुझे पता ही होगा, 90 बनाइए, 90 बना के हाफ कर दीजिए उसको, 45 हो गया। लेकिन आसान यही होता है, वो आपको स्क्वायर बॉक्स में ही मिलेगा जब भी 45 है तो। और तो इसमें कुछ बताने लायक है नहीं, बना ही सकते हैं आप, ठीक है इसको बनाइए, जो अच्छा है बना के सेंड वेंड करते रहिए, फिर भी कोई दिक्कत वगैरह हो। और मैं भी आज फ्री हो गया कि चलो, मैंने अपने दोस्तों से प्रॉमिस किया था कि हर 10 दिन 10 जॉब रहेगा, और मेरा 10 दिन 10 जॉब का टारगेट आज कंप्लीट हो गया है। ऐसा नहीं कि इसके बाद वीडियो नहीं है, जैसे स्किल टेस्ट आ जाए 10 दिन 20 जॉब बनाएंगे, इसके लिए परेशान उस दिन डे बाई डे। इसमें क्या हो रहा था कि मैं सोच रहा था, अभी तो स्किल टेस्ट का डेट है नहीं, आप भी कितने लोग ट्रेनिंग कर रहे होंगे या फिर अभी नहीं जा रहे होंगे कि डेट आ जाएगा तब जाएंगे, इसीलिए थोड़ा बीच में गैप हो जा रहा था। लेकिन अगर डेट आ जाए तो गैप नहीं होगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। चलिए सब सब तब तक के लिए सबको थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा कि भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ जिसके लिए खड़ी है वो बनिए, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू।